सो ही गाइज वंस अगेन वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो पर। जैसा कि आपको पता होगा पिछली वीडियो पे हम लोगों ने सीखा था क्राउच वन टैप हेडशॉट ट्रिक, अच्छा तो पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। लेकिन गाइज आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परफेक्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक विथ डेजर्ट ईगल एंड M500। क्योंकि गाइज यहाँ पर कुछ बंदे कमेंट कर रहे थे कि मारुस भाई हमें डेजर्ट ईगल वन टैप का इजी ट्रिक बताओ, तो फाइनली आज की वीडियो में ऐसे ट्रिक या फिर ऐसे टेक्निक से बताऊंगा कि भाई आप लोग भी बोलोगे कि हाँ ये इजी ट्रिक था। बसरते आप लोगों को करना क्या है कि भाई मैं यहाँ पर चार स्टेप पे समझाने वाला हूँ, चारों स्टेप को ध्यान से आप लोगों को समझना है और गेम पे जाके प्रैक्टिस करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप को समझ लेना है, उसके बाद सेकंड को प्रैक्टिस करना है, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। जब आप फोर्थ स्टेप पे प्रैक्टिस लोग आसानी से वन टैप हेडशॉट लगाना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो जान लेते हैं कैसे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, कैसे आप लोगों को हेडशॉट ट्रिक को यूज करना है। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना यार, उसी से अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको एक लाजवाब वेबसाइट www.lotus365.com के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आप प्रिडिक्शन करके बहुत ही जबरदस्त पैसा जीत सकते हो। क्रिकेट में कौन मैच जीतेगा, फुटबॉल में कौन सा टीम गोल करेगा, 200 प्लस और भी बहुत सारे गेम खेल सकते हो, मतलब गोवा का मजा इनके साइट पे। इसमें से मैं जो खेलता हूँ वो है रोलेट। इसमें हमें बताना होता है कि जो बॉल घूमता है वो कौन से नंबर पे आके रुकेगा, या कौन से कलर पे आके रुकेगा, या एवन नंबर पे या ऑड नंबर पे। यकीन मानो इसमें मैंने बहुत कमाया है सीरियसली लोटस 360 101% ट्रस्टेड एंड सेफ वेबसाइट है, जिनके ब्रांड एम्बेसडर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रुटेला, कीर्ति करबंडा और काजल अग्रवाल। और इनके इंस्टाग्राम @lotus365world पे फॉलो करो और देखो कितने सेलिब्रिटी इनके प्रमोशन करते हैं, हैरान हो जाओगे आप। सबसे अच्छी चीज, आपका विड्रॉल यहाँ 20 मिनट के अंदर होता है, चाहे दिन हो या रात। अभी अकाउंट ओपन करने पर मिलेगा 365 का बोनस, अभी रजिस्टर करो www.lotus365.com। तो भाई लोग हमारी जो पहली स्टेप है वो है गाइस सेटिंग। सेटिंग के अंदर दो चीजें देखने को मिलेगी, पहली सेंसिटिविटी, दूसरी कस्टम एचयूडी। तो गाइस सबसे पहले सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। अगर आप जो है एक अच्छी हेडशॉट सेंसिटिविटी बनाना चाहते हो तो आप लोगों को करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रेड डॉट को छोड़कर बाकी सबको 100 कर लेना है। अब गाइस रेड डॉट को 70 कर देना है, 70 में एक दो मैच खेलना है, उसके बाद 75 में एक दो मैच, उसके बाद 80, 85, 90, 95, ऐसा करके सब में एक बार खेल के देखना। अगर आप लोग को लगता है कि भाई हाँ इस सेंसिटिविटी पे अच्छा कुछ हेडशॉट लग रहा है या फिर अच्छा गेम प्ले हो रहा है, तो उस सेंसिटिविटी को आप लोगों को परमानेंट कर लेना है। जैसे आप लोगों का 77 में अच्छा लगा, ठीक है, तो 77 को परमानेंट कर लेना है, कभी भी उसके बाद चेंज नहीं करना। आई होप आप लोगों को सेंसिटिविटी की बात समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कस्टम एचयूडी की। आप लोगों को पता होगा जब भी हम फायर करते हैं स्विच और रन अगर फास्टली तरीके से हम नहीं कर पाते तो हमारा मूवमेंट सही नहीं लगता और वन टैप भी बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी आप फायर करते हो तो स्विच और रन ज्यादा स्पीडली होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों में सभी का कस्टम एचयूडी अलग अलग टाइप का होगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी तरीके से कस्टम एचयूडी सेट कर लो। मैं बस इतना बोलूंगा कि आप जब भी फायर या फिर वन टैप लगाते हो तो वन टैप लगे या ना लगे, लेकिन स्विच और रन फास्टली तरीके से हो जाना चाहिए। आई होप गाइस यहाँ पे स्विच और रन की बात क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं एक बेस्ट फायर बटन साइज की। आप लोगों से यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग 45 से लेके 55 के बीच कोई भी आप लोग सेट कर सकते हो, इसमें अच्छी खासी हेडशॉट लग जाती है। आई होप गाइस यहाँ पर पहली स्टेप में सेंसिटिविटी, कस्टम एचयूडी, फायर बटन साइज क्लियर हो गई होगी। अब भी कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली स्टेप की ओर। तो गाइस हमारी जो दूसरी स्टेप है वो है गाइस फास्ट मूवमेंट प्रैक्टिस। यहाँ पर आप लोगों को दो चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पहला फास्ट स्विच, दूसरा 180 डिग्री प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग फास्ट स्विच देख लेते हैं। यहाँ पर गाइस जब भी आप स्विच करते हो ना तो ऊपर गन बॉक्स से स्विच नहीं करना है, हमें होगा उससे आप लोगों को स्विच करना है। दूसरी चीज, जब भी आप स्विच करते हो स्विच करते ही फायर बटन को नहीं छोड़ना है, उस फायर बटन से हम लोग को मूवमेंट दिखाना होता है। कैसे करना होता है मैं आपको, यहाँ पर देखो मैं स्विच कर चुका हूँ फिर भी मेरा फायर बटन ऊपर की ओर ड्रैग है। अब भाई यहाँ पर वन टैप लगाता हूँ, वन टैप लगाते ही कैसे मूवमेंट दिखाना मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर वन टैप जैसे ही लगाऊंगा उसी फायर बटन को दूसरी ओर लेफ्ट की ओर स्वाइप कर दिया, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर वन टैप नहीं भी लगा होता तो मैं अपने मूवमेंट से बच सकता था, इसलिए मैं आपको बोला कि इस तरीके से स्विच करने के बाद फायर बटन को दूसरी ओर घुमाना है, ठीक है। अब दूसरी चीज 180 डिग्री प्रैक्टिस सीख लेते हैं। 180 डिग्री प्रैक्टिस के लिए करना क्या होता है ध्यान से देखो, इस तरीके से भाई एक की ओर रन करना होता है
और जंप करके 180 डिग्री पीछे घूम जाना होता है। उसी टाइम पे हम लोग को करना होता है फायर, और फायर करते ही स्विच और रन फास्टली तरीके से करना होता है, और इतनी फास्टली तरीके से करना कि भाई सामने वाला भी दंग रह जाए। ठीक है, इतना मूवमेंट होना चाहिए कि भाई वन टैप लगे या ना लगे हम लोग मूवमेंट से बच सकें। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले वाले वीडियो पे भी बोल चुका हूँ। चलो बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब गाइज हमारी जो तीसरी स्टेप है वो है गाइज परफेक्ट हेडशॉट ट्रिक। यहाँ पर तीनों रेंज पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, लॉन्ग रेंज, मिड रेंज और शॉर्ट रेंज। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग रेंज की देख लेते हैं। जब भी भाई डेजर्ट ईगल से लॉन्ग रेंज पे मारना चाहो ना, तो बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक है, क्योंकि गाइज यहाँ पर रेड एम जैसे ही आता है हम लोग को हल्का सा बस ड्रैग करना होता है ऊपर की ओर, डायरेक्ट ड्रैग करना होता है, इधर उधर फायर बटन को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि भाई जैसे ही रेड डॉट आती है मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऊपर की ओर हल्का सा ड्रैग कर रहा हूँ, देखने को आप लोगों को मिल रहा होगा। इसमें तो खैर भाई थोड़ा सा फायर बटन नीचे की ओर दिख जा रहा है, तो इसके लिए भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर M500 से मैं मारता हूँ, और कितनी तेज़ी से भाई यहाँ पर जैसे ही रेड डॉट आती है, देखो रेड डॉट जब भी हम फायर करते हैं तो चेस्ट पे जाती है, तो हल्का सा उनको ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि गाइस बहुत दूर पे होता है तो एनिमी बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब बात आती है मिड रेंज की, तो यहाँ पर भाई आप लोगों को हेड के जस्ट साइड में रेड एम रखना होता है, और रेड एम जैसे ही आती है आप लोगों को रोटेशन करना होता है, यानी कि भाई जैसे ही रेड एम आई आप लोगों को नीचे से राइट साइड से ऊपर की ओर रोटेट करना होता है। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस तरीके से। यहाँ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं CS में जाके दिखाता हूँ, वहाँ पर अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर रोटेशन ही यूज़ होता है, बट गाइस याद रखना कि हेड के साइड में आप लोगों को रखना होता है। यहाँ पर देखो मैं कर क्या रहा हूँ कि भाई जैसे ही बंदा आ रहा है, जैसे वाइट एम है, यहाँ से मैं नहीं मारूंगा, जब भाई मैं एम ला जाऊँगा मतलब कि यहाँ पर हेड के साइड में, उसी टाइम पर मैं रोटेशन यूज़ करूँगा। आई होप गाइस यहाँ पर मिड रेंज भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिक्कत शॉर्ट रेंज पे होती है। ठीक है ना, तो शॉर्ट रेंज पे क्या करना है कि भाई रेड एम के साथ मारना की कोशिश करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप लोगों को क्या करना है कि वाइट एम रखना है, यानी कि भाई वाइट एम बाहर रखना है बॉडी के। ठीक है, वाइट एम से आप लोगों को बहुत फास्टली तरीके से रोटेट करना होगा। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि वाइट एम से बहुत फास्टली तरीके से आप लोगों को रोटेट करना होता है। ठीक है ना, आई होप गाइस यहाँ पर भाई शॉर्ट रेंज भी समझ गए होगे। वीडियो बहुत लंबी हुई इसलिए भाई फोर्थ स्टेप बता नहीं पाया। फोर्थ स्टेप पे आप लोगों को क्या करना है कि भाई CS पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, वही मैं आप लोगों को बताने वाला था। ठीक है ना गाइस, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जरूर से एक वीडियो को एक लाइक कर देना, कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स कर सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना ध्यान रखना।